Hi dear students, myself Anil Kumar Bharti, welcome in Ananda Group. Today I am going for representing you English, class 10. And total is the 4 lessons in this poem in English. First is The Fountain, which is composed by Mr. James Russell Lowell. And second lesson is The Psalm of Life, is composed by S.W. Longfellow. And third lesson is The Perfect of Life, which is composed by Ben Jonson. And fourth lesson is the last lesson of the poem, The Nation Builder's Rock, who is composed by Ralph Waldo Emerson. First of all, I just wanted to explain you about the chapter of the fountain. What is the fountain? We should have to know. सबसे पहले मैं फाउंटेन के बारे में बताना चाहूँगा कि फाउंटेन जो होता है वो कितना क्रियाशील होता है, गतिशील होता है, आप उसकी अवस्था के बारे में जानते हैं। वो कंटिन्यू रात्रि हो, सुबह हो, दिन हो, रात हो, चाहे जो कुछ भी हो, किसी भी हालात में वो हमेशा अपने आप को मोशन में अपने आप को रखता है, हमेशा गति करता रहता है। उसका गति करना ही उसका आराम करना होता है। अतः हम सभी विद्यार्थियों को उससे हमें सीख लेना चाहिए कि हमें एक फाउंटेन की तरह बिना रुके हुए बेधड़क हमेशा किसी भी सिचुएशन में, कैसी भी सिचुएशन हो, हमेशा हमें प्रयासरत रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं टोटल इसके अंदर अंतर्गत 8 स्टेंजा है। सबसे पहले हम पहले स्टेंजा को पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे इसके बारे में। पहला स्टेंजा है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इनटू द सनशाइन यानी कि सूर्य के प्रकाश में फुल ऑफ द लाइट, यह प्रकाश से भरा हुआ दिखाई देता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते हुए और कूदते हुए, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट मतलब पूरी शाम तक यह हमेशा क्या करता रहता है, गति करता रहता है। इनटू द सनशाइन, एक बार और आप सुनेंगे इसके बारे में, इनटू द सनशाइन यानी कि सूर्य के प्रकाश में फुल ऑफ द लाइट, यह हमेशा प्रकाश से भरा हुआ दिखाई देता है, उछलते हुए और कूदते हुए, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यही इसकी प्रक्रिया जो है शाम तक चलती रहती है। एंड द सेकेंड स्टेंजा, इनटू द मून लाइट, वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। इनटू द मून लाइट यानी कि चंद्रमा के प्रकाश में वाइटर देन स्नो यानी यह बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो यानी कि यह जो फूलों की तरह लहराता है, यह फूलों की तरह लहराता हुआ दिखाई देता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं। एक बार और सुनेंगे आप लोग, इनटू द मून लाइट यानी कि चंद्रमा के प्रकाश में वाइटर देन स्नो, यह बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई देती है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, और यह फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं। तीसरा, इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। यानी कि तारों के प्रकाश में यह अपने फुहार को, जो उसका फुहारा होता है, वो अपने फुहार को तेजी से फेंकता है, हैप्पी एट मिडनाइट, और पूरे मध्य रात्रि तक क्या होता है, खुश रहता है, खुश दिखाई देता है। हैप्पी बाय डे, और पूरे दिन तक खुश रहता है। एक बार और सुनेंगे आप लोग, इनटू द स्टारलाइट यानी कि तारों के प्रकाश में रशिंग इन स्प्रे, यह अपनी फुहारों को तेजी से फेंकता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, और ये पूरे मध्य रात्रि तक खुश दिखाई देता है, और पूरे दिन तक यह खुश दिखाई देता है। चौथा स्टेंजा के बारे में आप लोग जानेंगे, एवर इन द मोशन ब्लिसम एंड चेरी स्टिल क्लाइमिंग हेवन वर्ल्ड नेवर ए वियरी। इसका मतलब यह हुआ, एवर इन मोशन, हमेशा यह गति करता रहता है, यह हमेशा क्या करता रहता है, गति करता रहता है। ब्लिसम एंड चेरी, ब्लिसम मींस होता है आनंदित, एंड चेरी मींस खुश, और यह हमेशा आनंदित और खुश दिखाई देता है। स्टिल क्लाइमिंग हेवन वर्ल्ड, यह लगातार जो होता है आकाश की तरफ चढ़ता हुआ दिखाई देता है। हेवन वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे होगा, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पे हम इसका सेंस निकालेंगे आकाश के तरफ, यानी कि यह हमेशा लगातार जो है आकाश की तरफ चढ़ता हुआ दिखाई देता है। नेवर एवियरी,
और यह कभी थकता नहीं है। पांचवा स्टेंजा के बारे में आप लोग जान लीजिए। पहला, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर स्टिल सीमिंग द बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। यानी कि यह ग्लेड मींस होता है खुश, यानी कि सारे ऋतुओं में, सारे मौसमों में हमेशा यह क्या दिखाई देता है, खुश दिखाई देता है। हर मौसम में यह हमेशा खुश दिखाई देता है, स्टिल सीमिंग द बेस्ट, और यह हमेशा अच्छा हमें महसूस कराता है और हमेशा यह अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आते हुए और ऊपर की तरफ जाते हुए, नीचे की तरफ आते हुए और ऊपर की तरफ जाते हुए मोशन दाई रेस्ट, यही गति करना ही इसका स्वभाव है, गति करना ही इसका कार्य है। एक बार और देख लीजिए, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर स्टिल सीमिंग द बेस्ट, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर यानी कि यह हर मौसम में, हर ऋतु में हमेशा खुश दिखाई देता है। स्टिल सीमिंग द बेस्ट, यह हमें बहुत ही अच्छा महसूस कराता है। और अपवर्ड और डाउनवर्ड, नीचे के तरफ और ऊपर के तरफ, हमेशा यह क्या करता है, नीचे के तरफ और ऊपर के तरफ मोशन दाई रेस्ट, और यही इसकी गति करना जो है, गति करना ही इसका आराम करना है। छठवां स्टेंजा के बारे में हम जानेंगे, फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। यानी कि फुल ऑफ ए नेचर, नेचर मींस होता है प्रकृति, फुल ऑफ ए नेचर यानी कि प्रकृति के गुणों से भरा हुआ होता है, प्रकृति के गुणों से भरा हुआ होता है। नथिंग कैन टेम, और यह किसी, कोई भी इसको अपने वश में नहीं कर सकता है, कोई भी इसको अपने वश में नहीं कर सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, यह हर सिचुएशन में, हर स्थिति में अपने आप को क्या करता है, परिवर्तित कर लेता है, अपने आप को परिवर्तनशील बना लेता है। एवर द सेम, यही इसका स्वभाव है, यही इसका क्या है, स्वभाव है। एक बार और देख लीजिए, फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम, यानी कि फुल ऑफ ए नेचर, प्राकृतिक गुणों से यह भरा हुआ होता है। नथिंग कैन टेम, कोई भी इसको अपने वश में नहीं रख सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, यह हर समय अपने आप को, हर सिचुएशन में अपने आप को क्या कर सकता है, अपने आप को बदल सकता है, अपने आप को चेंज कर सकता है। एवर द सेम, यही इसकी गति जो है हमेशा बरकरार रहती है और हमेशा गति करता रहता है। सातवां सेकेंड लास्ट स्टेंजा, सीजलेस ऑफ एस्पायरिंग सीजलेस कॉन्टेंट, सीजलेस ऑफ एस्पायरिंग सीजलेस कॉन्टेंट डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट। सीजलेस का मतलब यहाँ पे होता है लगातार, सीजलेस का मतलब क्या होता है, लगातार, कंटिन्यू या लगातार हमेशा क्या करता है, एस्पायरिंग, हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ, लगातार बिना थके हुए हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है। सीजलेस कॉन्टेंट, और यह कभी भी लगातार, यह हमेशा क्या होता है, लगातार यह संतुष्ट होता है, मतलब सीजलेस ऑफ एस्पायरिंग, हमेशा लगातार जो है ये ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ दिखाई देता है। और कभी भी यह, मतलब ऐसा नहीं है कि यह कभी असंतुष्ट होता है, यह हमेशा संतुष्ट होता है। डार्कनेस और सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में और अंधकार में, सूर्य के प्रकाश में और अंधकार में दाई एलिमेंट, यही इसका स्वभाव है। एंड द लास्ट स्टेंजा, ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। मतलब इसका यह हुआ, ग्लोरियस, ग्लोरियस शब्द में होता है शानदार या अद्भुत, शानदार या अद्भुत, शानदार फौहारे, अद्भुत फौहारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी बना दो अपवर्ड लाइक दी, हमेशा ऊपर की तरफ जाने, हमेशा ऊपर की तरफ हम जाने के लिए हमारे हृदय को भी ताजा, परिवर्तनशील और स्थिर बना दे। मतलब यह है इसका, एक बार और देख लीजिए, ग्लोरियस फाउंटेन मतलब अद्भुत फौहारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे इस हृदय को भी हमेशा अपवर्ड लाइक दी, हमेशा ऊपर उठने के लिए एक ताजा, परिवर्तनशील और हमारे अंदर स्थिरता बना दे। अतः इस तरह से आप सभी का ए टोटल द फाउंटेन जो पोयम है खत्म हो गई, और मुझे पूरी आशा है कि आप सभी को इससे कुछ न कुछ, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा।
और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, और इसमें कोई भी अगर आप लोगों को कोई भी कमी नजर आए तो मैं आपसे आप लोगों से आशा करता हूं कि आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में अपना व्यू उसमें रखेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद, बाय।